नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आया एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी। मोटिवेशनल स्टोरी का टाइटल है जीवन मीठा या खारा। स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है, एक बार एक परेशान और निराश व्यक्ति अपने गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरु जी मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ, मेरी जिंदगी में परेशानियाँ तनाव के सिवाय कुछ भी नहीं है, मुझे कृपा राह दिखाइए। मैं नागेंद्र मिश्रा आपके सामने एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ, इसे जरूर देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और जरूर मेरे यूट्यूब वीडियो को पर जाके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको इस तरीके की छोटी छोटी वीडियोस देखने का मौका मिले और नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। छोटी सी स्टोरी है लेकिन इसका बहुत बड़े गुण है। स्टोरी का टाइटल है जीवन मीठा या खारा। हाँ, तो एक बार एक परेशान और निराश व्यक्ति अपने गुरु के पास पहुँचा जो अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान था। उसने कहा, गुरु जी मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी में तनाव और परेशानियों के सिवाय कुछ भी नहीं है। गुरु जी थोड़ी देर बैठे और भी सोचा उन्होंने और एक गिलास, छोटा सा गिलास पानी से भरा हुआ लेके आए और उसके सामने एक छोटी सी मुट्ठी भर के उसको पान नमक डाल दिया। फिर गुरु ने उस व्यक्ति से कहा कि ये पानी पियो। उस व्यक्ति ने गुरु जी का कहना माना और वो पानी का गिलास उसने पिया। गुरु जी ने उससे पूछा, इसका स्वाद कैसा लगा? उस व्यक्ति ने कहा, बहुत ही खराब। फिर गुरु जी ने उस व्यक्ति को कहा, चलो मेरे साथ, और जो नज़दीकी सरोवर था उसके पास ले गए और वो एक मुट्ठी भर नमक उस सरोवर में डाल दिया और कहा, इस पानी को पीकर बताओ कैसा लगा। उस व्यक्ति ने सरोवर का पानी पिया और बोला, गुरु जी ये तो मीठा लग रहा है। गुरु जी ने कहा, बेटा जीवन में दुख भी इसी मिट्टी भर नमक के समान है। जीवन में दुख की मात्रा वही रहती है, न ज़्यादा न कम, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम दुखों को कितना स्वाद लेते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी सोच और ज्ञान को गिलास की तरह सीमित रख कर रोज़ खारा पानी पीते हैं या बड़े सरोवर की तरह विशाल बुद्धि बनकर मीठे पानी का लाभ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यही आज का सारांश है कि हम अपनी सोच को बढ़ाए न कि उसको छोटा करके रखें। ठीक है दोस्तों, सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। धन्यवाद, थैंक यू।